परफॉर्मेंसेस यहाँ पर देखने को मिली, इतना बढ़िया विजुअल आर्ट का एग्जिबिट यहाँ हुआ। मुझे लगता है कि यही हिंदुस्तान है, और जो मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षित राष्ट्र है, समर्थ राष्ट्र है। आर्ट एंड कल्चर यूनिटीज के बिना, उसकी शिक्षा के बिना कोई भी देश नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि जैसा पुण्या जी ने कहा कि जिंदगी में जब भी किसी प्रॉब्लम में आएंगे तो सबसे पहले आर्ट कल्चर यूनिटीज काम आएगी। जब आप लग्जरीज का यूज करना चाहेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजी का काम आती है, साइंस के कई सारे पहलू जिंदगी में बहुत काम आते हैं, लेकिन ये आर्ट, ये कल्चर, ये लिटरेचर, इस सब को जिस तरह से आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे देश में, और मैं देख रहा था कि जो आर्ट आज हमारे बच्चे यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, आपको बच्चे ये देखने की जरूरत है कि ये आपको जितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको समझने में, यहाँ तक लाने में, ये बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही है। जिस चाहे उड़ीसा से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, जिस भी इलाके से आप आर्ट लेके आए हैं, वहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही है, और वो उन्होंने वहाँ किसी आर्ट कॉलेज या आर्ट यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी, बल्कि इसको इवॉल्व किया है। जिस आर्ट को यहाँ तक लाएंगे, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी जिंदगी से इवॉल्व हुए, वो ऐसे जीते थे। उस सीखने के साथ अभी मैं सुन रहा था, ओवर बात हो रही थी, उस आर्ट के साथ, नेचुरल कलर्स के साथ, दूरवर्ती पास के शिक्षक के साथ में, उनके साथ वो जीते थे, उनकी जिंदगी भी इतनी आर्टिस्टिक थी। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो गई है, उसमें से आर्ट गायब हो रहा है, और वही टकरा रहे हैं। रफ ऐसी होते हैं ना, जैसे दो टुकड़े आप आपस में रखो, रफ टकराते रहते हैं एक दूसरे से, उसमें लोच नहीं है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि आर्ट गायब हो रहा है। आर्ट हमको जिंदगी में एडजस्ट करना सिखाती है, साहित्य, लिटरेचर, ये सब परफॉर्म, ये सब हमको जिंदगी में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना सिखाता है। मुझे लगता है कि वो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, आज उसकी यहाँ बांधी देखने को मिली है। इनमें से कुछ को यहाँ पुरस्कार मिल रहे हैं, कुछ को अभी आगे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि करीब 4000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए ऐसे जिन्हें वो 4000 बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ही ये बताना है कि मेरे अंदर आर्ट है। आप में से एक आज एक कॉम्पिटिशन जीतेगा, कल दूसरा कोई कॉम्पिटिशन जीत रहा होगा, परसों किसी ने कोई और कॉम्पिटिशन जीता होगा, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम अपने जिंदगी आर्टिस्टिक तरीके से जीना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और यही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ लिटरेचर के माध्यम से भी आए। मुझे नहीं पता आपने से कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, हमने अभी 6 to 6, 7 years के लिए अलग से और 9 to 12 अलग से और टीचर्स के लिए अलग से, जो लोग हिंदी में गीत, कविता, कहानी, नाटक लिख सकते हैं उनके लिए अलग से कॉम्पिटिशन आयोजित किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि उनसे जो बढ़िया रचनाएं निकल के आएंगी उसी पर हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे होंगे आने वाले समय में। अभी तो हम तुलसीदास को परफॉर्म कर रहे हैं, अभी कबीर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उसको परफॉर्म कर रहे होंगे। अपने ही बच्चों, अपने ही बीच के बच्चों और अध्यापकों से लिखी हुई रचनाएं, वहीं से परफॉर्मेंस, वहीं से उसका विजुअल आर्ट में ट्रांसलेशन, तब हम और ज़्यादा रिच होंगे, तब हम और ज़्यादा समृद्ध होंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इस कॉम्पिटिशन से, इस आज के उत्सव से जो बच्चे आगे राष्ट्रीय स्तर के उत्सव में जाने वाले हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बस याद ही रखिएगा, कला कॉम्पिटिशन नहीं है, उत्सव है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है कि राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन होता है, राज्य स्तर पर कॉम्पिटिशन होता है, उसमें हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कला अपने आप का उत्सव है, उसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।